जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव की नंद की। पहले कभी कभार जब कोई लेट उठता था ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था, तो आश्चर्य होता था, क्या हो गया? दशरथ जी महाराज पूरे जीवन में एक दिन नहीं जागे, पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, विषय बन गया कि आज दशरथ जी जगे क्यों नहीं, क्या हो गया? वो तो तीसरे ही पैर में उठ जाते हैं, आज नहीं उठे, क्या गड़बड़ हो गई, स्वास्थ्य कैसा है, पूरी चर्चा का विषय बन गया। और आजकल, पहले कोई जल्दी नहीं उठता था तो चर्चा का विषय, आजकल कोई जल्दी उठ जाए तो चर्चा का विषय। अरे तुम इतनी जल्दी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, तुम इतनी जल्दी कहां जा रहे हो भाई? व्हाट हैपेंड? बोलो हां या ना। सुबह कोई 4 बजे निकलता दिख जाए आपको घर से, कुछ हुआ, सब ठीक है, वो चर्चा का विषय बन जाता है। आज 4 बजे फलाना व्यक्ति घर से निकला, लगता है कुछ गड़बड़ है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर हरि का स्मरण करते हैं, वो ब्रह्म को देखने के अधिकारी हैं। वही लोग, संडे हो ना फिर बच्चों को देखो, रात को लेट सोएंगे जानबूझ के, बच्चों से कहो सो जाओ, कल क्या टेंशन है, कल संडे है, तो संडे है तो कल तो लेट तक उठना है ना। क्यों, वो लिखा है क्या तेरे स्कूल वालों ने कि संडे को लेट उठना? गलत बात है। बच्चों से भी एक बात कहूंगा, जितनी जल्दी सुबह उठ जाओगे, रात में जल्दी सो, जल्दी सुबह उठो, तुम्हारी बुद्धि और भी तीव्र हो जाएगी और भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरा वचन याद रखना। और मम्मियां और दादियां अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो तो पहले खुद सुधरो। आप जल्दी उठेंगे तो आप बच्चों को भी उठा सकेंगे। ये तो धन्य हो स्कूल वालों का जो 6 बजे लगा दिए नए स्कूल 7 बजे। अगर 8 बजे हो ना तो मम्मी 10 बजे तक ना उठे। ये तो स्कूल के चक्कर में उठना पड़ता है। कई माताएं तो स्कूल वालों को गाली देते हैं सर्दियों में स्पेशली। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ब्रह्म को देखने की चाह है तो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर, जीवन की जो दिन की शुरुआती जो हवा होती है उसे धारण करेगा तो स्वयं तू सात्विक विचारों के साथ जीने लग जाएगा। इसलिए पहली वहां से शुरुआत करिए, ब्रह्म को देखना है ब्रह्म मुहूर्त को देखिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गोपियों से बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं हमें ब्रास में सम्मिलित होने दो। बाबा से गोपियां कह रही हैं ब्रह्म रास में तो सिर्फ गोपी भाव से ही प्रवेश होएगो। बोले बताओ ये गोपी भाव प्राप्त कहां से होएगो? बाबा प्रेम सरोवर में स्नान करो और गोपीन को अपनो गुरु मानो। जो प्रेम ब्रह्म को दियो वही गोपी तुम्हें भी प्रेम देंगी। और बाबा भोलेनाथ तो सब गोपीन को प्रणाम कर रहे हैं कि हमें तुम अपनी गोपी भाव प्रेम की भिक्षा दे दो। प्रेम सरोवर में स्नान कियो और जब प्रेम सरोवर में स्नान कियो वाके बाद बाबा भोलेनाथ को गोपी भाव प्राप्त भयो है, वाके बाद में प्राप्त भयो। और आज भी बाबा भोलेनाथ, अब तो वृंदावन में आए हो, जाके दर्शन करियो, अब तो होरी शुरू है गई है, बड़ो मुश्किल है जाएगा वहां तक जाए, वो फिर कई लोग जा सके। वहां जाके जब दर्शन करोगे शाम के समय, बाबा भोलेनाथ को गोपी को ही श्रृंगार होए शाम के समय। आज भी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़े। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज,
फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ ठाकुर_G फॉलो करें।